सात गोरा नहीं जब राजा मरा गुलन तो जहाँ पे तो हमें पुलक नहीं जहाँ पे तो हमें मैंने तो खत्म हो गुलन। अभी ये कुछ रास्ता है अंदर जाने का, काफी एडवेंचरस सा लग रहा है। सामने जो लुक रहा है ना, वहाँ रास्ता लुक रहा है ना, हाँ। यहाँ से जिसने दुश्मन वार करेगा तो यहीं से मार देगा तोप से। पता है कैसे बनता है वो? चूना, गुड़ और लिटिल बिट। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को क्लियर करना जरूरी है। पहली बात ये वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है। HOV हेवन ऑफ बिहार जो कि एक ट्रैवल सीरीज़ है, तो इसमें बहुत सारे एपिसोड्स हैं जो आते रहेंगे, तो ब्लॉग समझ के मत देखिएगा, आप कनेक्ट नहीं कर पाइएगा। ट्रैवल सीरीज़ ब्लॉग से एक ऊपर लेवल की चीज़ होती है। अब बाकी वीडियो की ओर चलते हैं और देखते हैं। हर मंजिल एक पहचान होती है और हर सफर एक कहानी, और ये कहानी एक ऐसे किले के बारे में है जो आज से लगभग 500 साल पुराना है। वेट, और अगर तुम शेरगढ़ फोर्ट जाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए गाइड साबित हो सकती है। अब अगर तुमने शेरगढ़ जाने का प्लान बना ही लिया है तो पर हेड के हिसाब से कम 2 लीटर पानी और साथ में कुछ खाने के लिए रख लेना। ट्रेकिंग करना पड़ेगा क्योंकि चढ़ाई बहुत है, तो ये 2 लीटर पानी कब और कैसे खत्म होगा ये किसी को नहीं पता चलता। तो यहाँ से शुरुआत है सीढ़ियों की, आई थिंक 700 या 750 सीढ़ी है। हाउ इज द जोश? अरे बहुत तगड़ा, ऊपर जाके चलाएंगे जोर से। बट सच्चाई तो ये है कि जितने जोश से ईशान ने ऊपर जाने का वादा किया था उतने ही जोश से ये यहाँ से वापस चला गया। आसान इजी नहीं होता ट्रेकिंग या जाना। सात गोरा नहीं जब राजा मरा गुलन तो जहाँ तो हमें कुल आदमी जहाँ तो हमें मैंने तो खत्म हो गुलन, तब जाके सात गोरा नहीं होने वो करगा में कूदल बोले हाथ जोड़ा गुजर निवास वाला करगा बोले लगूिया के बाद में आगे जाए तो बॉडी गार्ड के दलान मिली। अच्छा, राजा साहेब जो बॉडी गार्ड रहते रह तो दलान मिली पूरा दूरी पे दलान बा, और वही में अपन ड्यूटी करते रह तब ऊपर से राजा साहेब वो दू गो किता बा रानी के। अच्छा, वो किता से राजा साहेब आवत रहन तो राजा साहेब आके काम बतावत रह कुल। तो अभी ये कुछ रास्ता है अंदर जाने का। काफी एडवेंचरस सा लग रहा है। हम लोग सामने जो लुक रहा है ना, वहाँ रास्ता लुक रहा है ना, हाँ। यहाँ से जिसने दुश्मन वार करेगा तो यहीं से मार देगा तोप से। पता है कैसे बनता है वो? चूना, गुड़ और लिटिल बिट ऑफ रेत का इस्तेमाल करके बनता है ये नहीं, इसका ये तो बहुत ये तो नया है, सब अभी का नहीं। तो किसका आप मिमिक्री करने वाली हैं? हम ट्विंकल का ही मिमिक्री कर रहे थे। हाँ दी, क्या करूँ, पापा ना जाने नहीं देते, स्ट्रिक्ट हैं बहुत, मैं क्या करूँ दी। किता है जो पेंटिंग करती है। हाँ, क्या बोल रही थी? अच्छा नहीं यार, टाइम नहीं है, देख लो ना तुम लोग। नहीं ऐसे नहीं, नहीं ना वो वाला नहीं, उधर पेंटिंग। अरे यार हम बोले थे उसको। काजल भी ले। अरे यार तुमको पता है, अरे वो जो है ना मेरा पैसा नहीं। काजल ऐसे, काजल ऐसे क्या क्या समझे सर आप हमको, क्या समझे? नो सर, नहीं काजल का नहीं हो पाता है। तो जिसका ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम ना आए आए कैसा लगा?
अरे रुको ना, हम पकड़ने नहीं समझे भैया, दिस बार हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। और एक बात पता है, असली व्यू ना फोर्ट के पीछे है, हैव अ लुक। तो ये कुछ था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि एच ओ बी हेवन ऑफ बिहार का जो ट्रैवल सीरीज़ है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं जो धीरे धीरे आते रहेंगे फ्यूचर में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। बाकी यहाँ के जितने भी ड्रोन शॉट्स हैं वो हमारे इंस्टाग्राम पे आने वाले हैं, जितने भी ड्रोन शॉट्स हैं, शॉर्ट वीडियोज़ हैं, वो हमारे इंस्टाग्राम पे आने वाले हैं। अब मिलते हैं जल्दी किसी नए कहानी नए, तो तब तक के लिए मिलते हैं तो फिर मिलते हैं किसी नई कहानी नए सफ़र में। तब तक के लिए छोटे को प्यार, बड़ों को नमस्कार, और हमारे एज वालों के लिए बाय वर को दार समझे भैया दिस बात बुई।